भगवान गणेश, जिन्हें हम सभी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजते हैं। पूजा पाठ हो, घर में कोई शुभ कार्य हो या कोई अन्य आनंद महोत्सव, सबसे पहले गणपति का ही पूजन किया जाता है। तो चलिए आज सुनते हैं गणेश भगवान के विवाह का वृतांत। एक बार भगवान गणेश घने वनों में बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां से देवी तुलसी निकली। गणेश जी की विचित्र छवि ने तुलसी जी को बहुत प्रभावित किया। तुलसी जी ने भगवान गणेश से विवाह करना चाहा। ध्यान से उठने पर भगवान गणेश से देवी तुलसी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मेरा साथ स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश ने देवी तुलसी जी से विवाह करने से मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि आज तुम शादी करने से मना कर रहे हो, एक समय आएगा जब तुम्हारी दो दो शादियां होंगी और दोनों पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश जी की भी विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह गणेश से नहीं करना चाहता था। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई भी विवाह करना नहीं चाहता था। विवाह ना होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जब भी किसी देवी देवता का विवाह होना तय होता तो वो उसमें विघ्न डाल देते और इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी बहुत मदद करता था। वह विवाह स्थल पर पहुंचकर वहां पर फल, मिठाइयों और मंडप को अपने नुकीले दांतों से कुतर कुतर कर सब कुछ तहस नहस कर देता था। गणेश जी के इस कृत्य से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी बोले, इस समस्या के समाधान के लिए तो हमें ब्रह्मा जी के पास ही चलना पड़ेगा। जब वे सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने दो मानस पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा गया। इन दोनों पुत्रियों को ये आदेश दिया गया कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी देवता के विवाह में विघ्न डालने लगें तो उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न ना आ सके। 6 माह तक रिद्धि और सिद्धि इसी तरीके से गणेश जी का ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रहीं। तब भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगे रहने के कारण सभी देवी देवताओं का विवाह संपन्न हो गया है और वे अविवाहित ही रह गए हैं, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। इसका पता लगने के बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए और भगवान गणेश से रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भगवान गणपति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी के साथ ही देवी तुलसी का श्राप भी सच हो गया। भविष्य में उनके दो पुत्र शुभ और लाभ भी हुए और साथ ही एक पुत्री देवी संतोषी का भी प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।